नमस्कार, मैं अपराजिता एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। ये जो रेसिपी है वो है उड़ीसा से और इसे सौतड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम जो वेजिटेबल होता है उसको बॉईल करके बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं मूली, टमाटर और बैंगन मिक्स सौतड़ा बनाने जा रही हूँ। तो इसमें जो मेन वेजिटेबल है वो मूली है और टमाटर है। बैंगन मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो इसकी ग्रेवी बने वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और थोड़ा थिक बनता है। तो पहले हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से धो देते हैं। यहाँ मूली के छिलकों को अच्छे से हटा लेना है और उसे फिंगर के जैसा शेप में काट लेना है। टमाटर को भी काट लेना है और बैंगन को भी काट लेना है। तो इस तरीके से मैंने मूली के छिलके हटा लिए और इस शेप में मैंने काट लिया है इसे। बैंगन को भी मैंने इस साइज़ में काट लिया। आप इसे चाहे तो छोटा भी काट सकते हैं। अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वेजिटेबल है वो टमाटर और मूली ही है। टमाटर को भी इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया है। तो अब तीनों ही सब्जियों को हम डालेंगे बॉइलिंग के लिए। तो बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ले रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं बैंगन, मूली और टमाटर तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी, वो भी बहुत ही कम हमें ऐड करना है। तो हाफ कप के करीब मैंने यहाँ ऐड किया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप के करीब उस टाइम मैंने पानी डाला था, अभी बस 2-4 चम्मच के करीब पानी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसे ऐसे हिला लेंगे प्रेशर कुकर को ताकि हल्दी पूरे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम जो प्रेशर कुकर का जो लीड है उसे लगा देंगे और फिर इसे हम गैस पे रख देंगे कुक होने के लिए। इसे कुक करने के लिए प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 सीटी की ज़रूरत होती है और जब प्रेशर खुद से रिलीज होता है तब इसे ओपन करना होता है। तो 1 सीटी आने तक मैंने यहाँ पे सब्जियों को पकाया और प्रेशर कुकर जब खुद प्रेशर रिलीज किया है तब मैं अभी लिड ओपन कर रही हूँ। और देखिए, सिर्फ हाफ कप मैंने पानी डाला था पर कितनी सारी ग्रेवी हो गई। और ये जो बैंगन देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से वो भी कुक हो गया है। मूली भी बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। तो इसी चम्मच से 2-4 बार इसे चलाने के बाद इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि टमाटर और बैंगन ऑलरेडी पक चुके हैं तो वो इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। तो सिर्फ 1 सीटी में ही मूली कितना परफेक्ट कुक हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल ज़्यादा देर इसे प्रेशर में ना रखें। जब 1 सीटी के बाद प्रेशर खुद से रिलीज करता है तो आप प्रेशर कुकर ओपन कर लें। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल 1 चम्मच के करीब लिया है और इसमें मैं मेन जो तड़का लगा रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पीला सरसों। लहसुन की कुछ कलियों को काट लिया है, मिर्च की फांके लगा ली हैं और करी पत्ता लिया है। तो तेल जैसे ही गर्म होता है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पीला सरसों। इस टाइम में फ्लेम को हम कम कर देंगे। सरसों के चटकने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाते हैं इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे करी पत्ते और हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक भी काट कर डाल सकते हैं। लहसुन को हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे तेल में। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया है लहसुन का, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है लहसुन। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर इसका तड़का लगाएं। तो तड़का हमारा तैयार है। गैस को मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ और जो मूली टमाटर वाली सब्ज़ी है उसमें बस हम इसे डालेंगे। तो इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था और बस ऊपर से हम लगा रहे हैं तड़का। बस तड़का लगाने के बाद जो हमारा मूली और टमाटर का सौतड़ा है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और बहुत ही आसान है। सिर्फ ये आसान ही रेसिपी नहीं है, बिल्कुल टेस्टी भी है और बहुत ही हेल्दी है। तो इसमें मैंने करी पत्ता तो डाला ही था, अगर आप चाहें तो हरी धनिया के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी और टेस्टी रेसिपी को आप सर्व कर सकते हैं रोटी और चावल दोनों के साथ, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
तो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।